alaikum grade 7. How are you? Faiza Nadeem here with your English lesson. And Faiza Nadeem wishes you all the best because we want everyone from us over here want you to be safe and healthy, happy and static and enjoying your life. So what we are going to do today? We are going to do a very interesting story. What? Let me tell you. Come with me. What is it saying? It's saying that you have to take your Oxford Progressive Reader out, Unit 8, which is Family Feelings. But you are going to take page number 201 to 210 out. And the title of the comprehension is I Fall into Disgrace. It's a fiction. What is a fiction? Fiction wo story a hai. जिसके अंदर इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ठीक है वो इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकती हैं नॉन ह्यूमन बीइंग्स भी हो सकती हैं वो फेबल्स भी हो सकते हैं जिसमें जानवर बोलना शुरू कर देते हैं वो एलियंस भी हो सकते हैं ठीक है सो ऑल द थिंग्स दैट आर अ फ्रेगमेंट ऑफ आर इमेजिनेशन इज अ फिक्शन और ये जो स्पेसिफिक स्टोरी है ये निकाली गई है चार्ल्स डिकेंस की नोवेल डेविड कॉपरफील्ड से डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस का 8th नोवेल था ठीक है वो चार्ल्स डिकेंस का 8th नोवेल था और वो नोवेल बात कर रहा था चार्ल्स डिकेंस की लिटिल बिट ओन बायोग्राफी ये नोवेल फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है फर्स्ट पर्सन का मतलब ये है कि डेविड कॉपरफील्ड खुद अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा है कि क्या उसके साथ किस तरह से हुआ सो दैट ही केम आउट फ्रॉम हिज इन्फेंसी टू द अडल्टुड से वो इन्फेंट बेबीहुड और मासूम बच्चे से एक समझदार एडल्ट बना ठीक है दिस वॉज वन ऑफ हिज वेरी फेमस नॉवल्स जिसने चार्ल्स को आम नावलिस्ट की कैटेगरी में से निकाल के चार्ल्स डिकेंस को एक बहुत ही ख़ास स्पेसिफिक नावलिस्ट बना दिया बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चार्ल्स डिकन्स डेविड कॉपरफील्ड को ख़ुद रिलेट करता था और डेविड कॉपरफील्ड के जो लास्ट के इवेंट्स हैं वो मोर और लेस चार्ल्स डिकेंस की लाइफ के लास्ट इवेंट्स से मैच करते हैं इस नावल का पूरा नाम था The personal history, adventures, experience, and observation of the younger of the Blunderstone Rockery, which he never meant to publish on any account. This was actually the name of the novel, which was later shortlist by editors David Copperfield. Kar David Copperfield, first person, is written in. It means it starts with I, and It's a fiction because it's in. imaginative story of a character that does not exist, right? and it is written by one of the classic writers, Charles Dickens. ये comprehension पढ़ के मैं आपको suggest करूँगी कि आप David Copperfield का average novel लेके आएं, उसको पढ़ ही ताकि आपको classic क्या होता है और उसकी क्या description definition होती है मालूम हो सके क्लासिक हर वो चीज होती है जिसमें कोई लूपा हो कैरेक्टर्स परफेक्ट हो स्टोरी लाइन परफेक्ट हो ठीक है सो दिस इज वन ऑफ ऑफ द एग्जांपल परफेक्शनिज्म राइट सो दिस वाज ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सर्प्ट दैट वी आर गोइंग टू रीड अब जो स्पेसिफिक क्या होता है पीस ऑफ टेक्स्ट जो हम कहीं से भी निकाल लेते हैं इस स्पेसिफिक को टाइटल दिया हुआ है आई फॉल इन टू डिस्क्रेस यहाँ पे यूज हो रहा है फिजिकली या लिटरली नहीं यूज हो रहा। यानी वो लिटरली या फिजिकली नहीं गिरा था, लेकिन डिस्क्रेस क्या होता है शर्मिंदगी वो शर्मिंदगी में डूब गया था शर्मिंदगी से गिर गया था तो ये इसका स्पेसिफिक नाम है तो ये बता रहा है कि वट इज कमिंग अप इन द ये बता रहे हैं कि मैं किस तरह शर्मिंदगी के बड़े से गढ़े में डूबा चलो एक स्टेप चलते हैं वो कैबलरी से पहले मैं आपको डेविड कॉपरफील्ड की सारी जो एक्सर्प्ट की स्टोरी है सुनाती हूँ जी बेटा ये एक्सर्प्ट शुरू होता है जब डेविड कॉपरफील्ड अपने फैमिली के साथ अपनी पेरेंट्स के साथ एक बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहा था एंड देन हिज़ फादर डाइड एंड हिज मदर रीमैरिट द पर्सन शी री वाज मिस्टर मर्ड स्टोन एज द नेम सजेस्टेड मर्ड वाज अ वेरी हार्ड हार्टेड मैन एंड एज हार्ड एज अ स्टोन ही वॉज वेरी हार्श ऑन डेविड कॉपरफील्ड और यहाँ इस पेसिफिक एक्सर्क में मिस्टर मर्थस्टोन डेविड कापरफील्ड को बताते हैं वॉन करते हैं कि अगर आपने आज का ये लेसन याद नहीं किया तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के जिम्मेदार खुद होंगे मिसटर मर्थस्टोन काट कम विद हिज सिस्टर मिस वर्थ स्टोन एंड बोथ द सिबलिंग्स मिस्टर एंड मिस मर्थ स्टोन वेरी वेरी विकेट, हार्ड और उनका जो डेविड कॉपरफील्ड के साथ रवैया था वो बहुत बुरा था डेविड कॉपरफील्ड अंडर द प्रेशर ऑफ बोथ मिस्टर एंड मिस नॉट लर्न हिज लेसन एंड सो मिस्टर मर्द डिसाइडेड टू केन हिम केन क्या होती है वो मौला बख्श जो हमारा होता है लंबा सा

his mum crying bitterly when he was taken to his room his uncle or his stepfather twisted his arm to beat him up while he was doing so david bit his hand fiercely with his teeth and thus this made mr murdstone extremely furious he beat david so hard that according to David, he could have died then and there. After doing that, he locked David in his room, and nobody came up to David till evening when Miss Murdstone came with a few things to eat. And within a few days, like after two or three days, David was allowed to go into the park for half an hour and nobody visited him. Nobody saw him, he saw nobody, and he was locked in his room for. Five days. Meanwhile, he was desperately looking for his mom, which he didn't see anywhere, and once he was taken to the prayer, or wahan par usko apni mama uski taref back kiwi Meanwhile, he had been suffering from the punishment that his stepfather had suggested for him. This is the excerpt of this specific comprehension.

switch use huwa hai uska matlab hai quick sharp movement david copperfield switched to bite the hand of his stepfather because he knew the stepfather was going to beat him hard and that was his reflexive action to protect himself from harsh beating executing carrying out he specifically mentions david copperfield has specifically mentioned that his stepfather enjoyed carrying out or enjoyed executing the punishments vice a tight grip is held in the pair of a metal jaws that was a vice it was very tight and it bit into the flesh like the stepfather was seriously hurt with the bite that david copperfield had done on his hand smart हर्ट और शार्प पेन बॉडी एक्ट विप क्या होती है चाबुक आप तो घोड़ा घाटिया देखते नहीं हो वो इस तरह की होती है बच्चे इस तरह की होती है और उसके साथ ये लेदर की स्ट्रिंग अटैच होती है जब ये लेदर स्ट्रिंग पड़ती है तो बहुत जबरदस्त किस्म का निशान पड़ता है बहुत जबरदस्त किस्म की लाशें पड़ती हैं ठीक है बहुत जबरदस्त किस्म के स्ट्राइप्स पड़ जाती हैं आपकी स्किन पे ठीक है सो दैट इज विप और विप ऑन डेविड कॉपरफील्ड्स बॉडी रिटायर्ड or और retreated. retreated क्या होती है जब आर्मी समझती है कि मैं जंग हार रही हूँ तो वो रिट्रीट कर जाती है जब आप समझते हो कि आप डिबेट हार रहे हो तो आप रिट्रीट कर जाते हो ठीक है गेट बैक हो जाते हो तो दैट इज़ कॉल्ड रिटायर्ड ओवर हेयर इन दानवीशन उसके बाद दो एडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो नेक्स्ट बड़े सारे ब्लॉक में आपको एक्सप्लेन की हुई है मैंने लिख दी है

कोई खट्टी या कड़वी चीज को जब आप बाइट करते हो तो क्या होता है कि दिमाग तक झंझनाहट जाती है हमारा ये जो भी एरिया है ना फेशियल एरिया दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन बिकॉज दे आर नियरेस्ट टू द ब्रेन राइट तो आँख को कान को जबान को फ्लेवर को कुछ भी होता है ये नर्व्स एकदम से मैसेज हमारे ब्रेन को लेके जाती हैं और वो एकदम से आपको महसूस होता है तो सेट टीथ टू एज का मतलब है कि वो फीलिंग जो अगर आपने कोई सावर या बिटर चीज खाई हो तो आपको होती हो दीज वर लेट्स मूव ऑन टू टास्क टास्क आपसे ये कह रहा है कि जो वर्ड्स आपको मिले हुए हैं उनकी मीनिंग्स आपने टेक्स्ट में से निकालनी है और उन मीनिंग्स के सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं यानी ये जो वर्ड है इसके जो स्पेसिफिक वर्ड इसके लिए यूज़ होता है और टेक्स्ट में यूज हुआ हुआ है वो आप निकालें और उसके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करें जैसे पहला वर्ड है आपका इंडियोरिंग पेन विदाउट कंप्लेंट दैट वॉज स्टोशियल मिस्टर मर्थ सोन डिड नॉट वॉन्ट क्लारा टू बी स्टोशियल सो ही टू डेविडीड टू हिज रूम इन ऑर्डर टू बीट हिम हार्श नेक्स्ट वर्ड वॉज शो और इसका था परेड आई क्रिएटेड अ ग्रेट Parade for my parents to enjoy on my birthday party. Wrapped myself or twined. I twined myself after I woke up from a nightmare. Begging, entreating. The beggar entreated everyone just for a slice of bread. Small and weak, puny. The puny beggar was shivering with cold. Remember, recollect. I sometimes sit down and recollect my childhood memories because that was the best time of my life. Abysmal, atrocious. His performance had become atrocious as far as his maths result is concerned. In a way which is lacking in energy, listlessly the athlete was walking around the track listlessly after a strong workout under police control into custody the thief was brought into custody for interrogation criminal outlaw the outlaw was hiding from the police because he did not want to be caught ab aata hai task 3

एग्जाम्पल दी है मिस्टर मर्थस्टोन की और ये पूछा है कि आप ये बताओ कि ये नाम देख के आप क्या इन्फर करते हो कि ये कैरेक्टर किस तरह का होगा ठीक है डू द द नेम्स ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स सजेस्ट टू यू और बुक का नाम दिया है और आपसे ये कहा है कि सोचो कि ये कैरेक्टर क्या सजेस्ट करते होंगे किस तरह के होंगे स्पेसिफिक किताब में पहले है एल्फर्ड जेंगल्सिंग एक्टर इन पेपर्स Jingles are Tinkle, tinkle of light sound, jolly, happy. So I think that Alfred Jingles was a very happy-go-lucky sort of man. Right? As his name suggests, he was Alfred who jingled, tinkled with happiness. Let's move on to the second one. Mrs. Max Stinger, a lady in Tombe and son. Stinger, stingy, mean, miser. So she must have been a very mean and miser lady, right? This is the name suggesting Mr. Bumble, a parish officer in Oliver Twist. Bumble, what is A curious type of walk. Hoti hai. Mota, sa, sa, Ajeeb, se wa This is what the name suggests in Oliver Twist. Mr. Wackford Squeers, a schoolmaster in Nicholas Nickelby. Wackford, wacky, careless, a little bit of impersonal. Thicke? Wacky, crazy. So he might have been a very crazy character. Mr. Fang, a police magistrate in Oliver Twist. Fang, canines, ferocious, fierce. So the name suggests that Mr. Fang might have been a very ferocious or a fierce character. Mr. Chokhung Child. A schoolmaster in hard time, choke, suffocating, can't breathe. Child, a baby. So there must be a baby in this specific teacher's heart, soul, who was being choked down by his impersonal feelings, by his impersonal actions and behavior. Right, Stella, a beautiful girl in great expectation. Stella means a star. So she was the girl who had lost her father in childhood. She was a star in the sky. Sir Les sister Deadlock, the head of a family caught in a never ending legal battle in Bleak House. डेड लॉक डेड लॉक क्या होता है वो जो रोड एंड हो जाता है जिसके आगे आप कहीं नहीं जा सकते जिसके पास आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती आप कुछ नहीं कर सकते डेड लॉक लग जाता है जिसको ब्रेक करना नामुमकिन है तो ऑबियसलीसिसड डेड लॉक उस फैमिली का हेड था जो एक कॉन्टीन्यूस लीगल बैटल में फंसी हुई थी और राइट कोई डिट बी डी डिड आई फॉल इन दिसक्रेज बाई Charles Dickens from his novel David Copperfield. We read the excerpt and we did all the vocabulary exercises. I have even given you the sentences. I hope that you will write the sentences down. I have not written them on the board because I wanted you to write them on your own. Howsoever, I have given you an example sentence. If you are clever enough to stop me and record me or stop and play and write those sentences, it's up to you. हंसते रहो खेलते रहो अपना ख्याल रखते रहो मुझे अपनी दुआओं में याद रखो जब तक कि फ़ायज़ा नदीम दोबारा मिलती है सबके लिए दुआएं करना ठीक है अल्लाह हाफिज़